29 जनवरी को बेलार एक पॉइंट पर दो पक्षों के बीच जमकर बहसबाजी और हाथापाई हुई थी, जिसके बाद वहां यूनिवर्सिटी थाना पहुंचकर विवाद को शांत किया और आज का समय देकर आज दोनों पक्षों को बुलाकर एक बैठक बुलाई गई। इसमें दोनों पक्षों के लोग मौजूद थे और दोनों पक्षों की ओर से बातें की गई और दोनों ने अपने बातों को रखा। उनके बातों को सुनते हुए दोनों पक्षों के निर्णय से यह सहमति बना कि यह निर्णय में जो पहले से व्यवस्थाएं थी कि लेबर को पेमेंट रेक भिंडर के द्वारा दिया जाता था, उसी के द्वारा दिया जाएगा। आरपीएफ इंस्पेक्टर महेश कुमार और यूनिवर्सिटी थाना के इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश के समक्ष दोनों पक्षों के बीच वार्ता सफल हुई और दोनों पक्षों ने कहा कि हमारे बीच जो विवाद था वह खत्म हुआ और पहले पक्ष लेबर मेट मुन्ना सिंह ने कहा कि जो पैसा अब इन लोगों का बाकी है उसके लिए उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया है, कोर्ट के फैसले पर ही अब फैसला होगा। अभी से आज से यह लोग काम करेंगे, उसका पैसा इनको काम के बाद दे दिया जाएगा। वहीं दूसरे पक्ष लेबर हरे राम ने भी कहा कि हम लोग पहले जैसे काम करते थे वैसे ही काम करेंगे, हमारा जो इधर का काम का बकाया था वह भी हमें मिल गया है, हम लोग आज के फैसले से संतुष्ट हैं। रेक पॉइंट का मामला मसला ये था सर कि विगत 20-25 वर्षों से मैं रेक पॉइंट जोत रहा हूँ, ठिकार के द्वारा ऑथराइज लाइसेंस लेकर काम कर रहा हूँ। कुछ मेरे मजदूर भाइयों को बहका कर कुछ व्यक्ति असामाजिक तक लोग हमरे अगेंस्ट में किए हुए थे। आज थाना प्रभारी इंस्पेक्टर साहब के समक्ष, पत्रकार महोदय के समक्ष ये फैसला हुआ कि नहीं, जो पैसा ये कोर्ट में चले गए केस करने के लिए वो कोर्ट का कोर्ट में होगा और जो आज के रेट डेट से जो पैसा ये लोग खाली कर रहे हैं उनका पैसा भुगतान, मैंने 2,70,000 का चेक, 2,70,900 का चेक दिया। विगत 7 दिनों का ये काम का पैसा था और बाकी पैसा हम ये काम खत्म करेगा, पैसा देंगे। थाना पर आए और किन से विवाद था? ये विश्वविद्यालय थाना पर हम लोग आए हैं, विवाद कुछ नहीं थी, थोड़ा सा उन लोग को नासमझी हो गई थी, विवाद नहीं था, लेबर लोग भाइये थे। आप तो गोली चलाए थे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। फायरिंग किया था? ऐसी कोई बात नहीं है, हम ऐसे रिकॉर्ड है सर, बोला है रिकॉर्ड है तो सर उसका देख लिया जाए। गोली नहीं चला? नहीं, झूठा इल्जाम है। वैसे हम लाइसेंसधारी भी हैं लेकिन गोली मैंने नहीं चलाया। कल 2022 को दो पक्षों के बीच पहला रैक पॉइंट विवाद हुआ था, जिसे लेकर आज विश्वविद्यालय थाना में एक मीटिंग बुलाई गई थी, दोनों पक्ष की बात को सुना गया और यथा उचित निर्णय हुआ और दोनों पक्ष जिसे सहमत निर्णय क्या लिया वो बताइए। निर्णय के जो पहले से व्यवस्था थी, लेबर को पेमेंट जो रैक हैंडलर के द्वारा दिया जाता था वो पहले जैसे ही मिला, लेकिन ये विवाद तो बहुत पहले से चल रहा है। कल उनके हो गए थे, कल कुछ लोगों ने आपस में रुपया दिखाया था लेकिन समझा बुझाकर स्थानीय थाना के द्वारा मामला को शांत किया गया था। आज उसी संदर्भ में मीटिंग बुलाई गई और दोनों के पक्ष को सुनते हुए समझते हुए जो सही निर्णय है वो किया गया, जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।